नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। मेरे हाथों में आप लोग एक फ़ोटो देख रहे हैं। एक महिला की फ़ोटो है जिसकी सिर्फ 2-3 महीने 4 महीने पहले शादी हुई थी और इसकी डेड बॉडी मायके में पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और ये फ़ोटो है इसकी, तो आप लोग देख सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है, सिर्फ 4 महीने पहले शादी हुई थी और इसकी ससुराल में इसकी डेड बॉडी मिली है। दहेज हत्या का आरोप लगाया जा रहा है और भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गली वालों का, सबका रो रो कर बुरा हाल है। आप लोग देख सकते हैं, सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये है SGM नगर एरिया, कल्याणपुरी एरिया इसको बोलते हैं। SGM नगर कौन सी गली भैया? गली नंबर दो बोलते हैं। तो हम बातचीत करेंगे, वारदात की जानकारी हासिल करेंगे। गरीब परिवार है, आप लोगों से अपील है वीडियो शेयर करें ताकि इनको न्याय मिल सके। लड़की का क्या नाम भैया? लक्ष्मी नाम है लड़की का, जिसकी मौत हुई है, जिसका मर्डर का आरोप लगाया जा रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये पकड़ो, FIR दर्ज हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ, FIR नंबर 0139 SGM नगर में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। SGM नगर थाने में अंडर सेक्शन 304B 34, और इनकी मांग थी 302 लगाई जाए, लेकिन वो पुलिस जांच के बाद लगाएगी अगर ज़रूरत महसूस होगी तब। तो यहाँ पर ये डेड बॉडी पड़ी हुई है, थोड़ा सा इधर आपको दिखाते हैं। और ये परिवार वाले हैं। हाँ जी, गर्भवती थी। चलो ये भी हम हर चीज़, कोई बहन है इनकी? हाँ बहन जी, आइए आप बताइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ थोड़ा सा आप आगे आ जाओ। नमस्कार नमस्कार। ये फोटो किसकी है? ये वाली बहन की। हाँ क्या नाम है इनका? लक्ष्मी। लक्ष्मी कितने महीने पहले शादी हुई थी? 23 नवंबर को शादी हुई थी। अंधेरा तो नहीं आ रहा? हाँ आप बताइए। 23 नवंबर को शादी हुई थी उसकी। 23 नवंबर 2021 को शादी हुई थी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने हो गए शादी हुई करीब। तो क्या जानकारी है, कैसे मौत हुई इसकी? इसको घर वाले बहुत तंग करते थे, बहुत मारते थे बेल्टों से। ससुराल वाले उसके, वह दोनों पकड़, वो सास पकड़ लेती थी और पति मारता था बहुत बेल्टों से। मेरे को रो रो के बहुत बोलती थी वो कि बहन मुझे बहुत बुरी तरह मारते, और एक टाइम खाना देते थे उसको। उसके बच्चे गिराने की भी कहते थे, गिरा दे इसको, हम नहीं रखेंगे तेरे लिए। कोई कह रहा था 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तीसरा महीना लगा था। हाँ 2 महीने भी जानकारी थी। हाँ जी हाँ थी जानकारी। क्या लग रहा है, किस वजह से अगर इसकी हत्या की गई है तो इसकी वजह क्या रही है? 2 वजह है, एक वो प्रेग्नेंट थी इसलिए, और दूसरी वजह ये है कि उसको दहेज नहीं मिला। वो हमेशा यूँ ही कहते थे, कुछ नहीं लाई, कूड़ा दे दिया ऐसे कहते थे हमेशा उसके घर वाले। कहाँ शादी हुई थी इनकी? शादी कहाँ? 4 नंबर में। किसके घर हुई थी? पति का नाम? पति का नाम है सोनू। अच्छा अच्छा। और ससुर वगैरह का नाम भी जानती है? ससुर का नाम मैं नहीं जानती किसी का। पति का नाम सोनू है। तो आप लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, इसके अलावा खाना नहीं देते थे, बेल्ट से मारते थे, फिर ये 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। भी बहुत करता था वो, तैयार हो जाती थी नजर आ से के अपने खसम से मिलने के लिए, देखने के लिए तैयार हुई है। बहुत सख्ती था, बहुत मारता पीटता था उसे, दिन रात रोती थी वो। कोई कह रहा था इनके चोटों के निशान थे कई जगह। हाँ चोटों के, पूरे शरीर पे बेल्टों के निशान थे। अच्छा, दोनों आपको ने बताती रही होगी, आप बहन है कि? अच्छा बताती होगी कि मुझे बहुत मार। हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी, बहुत रो रही है वो उस फोन में, बहुत बुरी तरह मारती थी उसे। तो आप लोग देख रहे हैं, पुलिस से क्या मांगे? पुलिस से यही मांगे कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, चाहे फांसी पे टंग जाए, जिंदगी भर उम्र कैद की सजा मिले, यही मांगे हमारी। आपका क्या नाम मैडम? काजल। काजल जी उनकी बहन है, और ये पुलिस से मांग कर रही है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हरियाणा सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन देख रहे हैं हम आए दिन आपको दिखाते रहते हैं कि दहेज के लिए फरीदाबाद में खासकर मार दिया जाता है। अभी एक हफ्ते पहले डबुआ में ऐसी वारदात हुई थी, सेम ऐसी वारदात हुई थी, और एक हफ्ते बाद SGM नगर में वही वारदात हो गई। 4 नंबर में वारदात हुई SGM नगर में मायका है। तो जो सबक मिलना चाहिए, जो गुनाहगार हैं उनको सबक नहीं मिल पा रहा है, उसकी क्या वजह हो सकती है, इसका पता पुलिस को लगाना चाहिए। आप रिकॉर्डिंग सुनाइए, रिकॉर्डिंग सुनाइए, तेज आ जाएगी मेरे में, आप सुनाइए फिर से। चले अभी चल रही है, फोन ले जा रहे हैं इसलिए बोली, थोड़ा आगे कर दो फोन। मेरा भाई बाहर था ना, उसने बात करने के लिए। नहीं बस हो जाएगी, आने वाली है।
आ रही मेरे में आ रही आवाज। कर दी कर दी, एक मिनट के बाद होगा, पाँच छः सेकंड। आप इसको पकड़ लीजिए सर। नमस्ते जी, ठीक है मम्मी? मेरे को लेके चले जाओ, बहुत मार दे सब यहाँ पे। तो आप लोग देख रहे हैं, आपने साफ साफ सुना होगा, वो कह रही है मुझे बहुत मारते हैं, बेल्ट से मारते हैं, मैं नहीं रह सकती, इतनी वो परेशान रहती थी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, एक मिनट सुन, वे अंतिम संस्कार के लिए पीछा छुड़ा लिया है, अब ये कुछ भी नहीं कर रहा, लड़की यहाँ पटक दी तो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर संस्कार के लिए भी कोई आगे नहीं आया, कोई भी नहीं आया पास, कोई भी पर कोई भी मार रहे, तो उसको उसी दिन लेके आ गए थे। जितने मम्मी कहा है, मम्मी मम्मी से बात हो रही थी ना। अच्छा, मम्मी को उसने फोन किया था। हाँ, मम्मी को फोन किया था। नमस्ते, आपको फोन किया था? हाँ, मेरे भाई फोन करा था, मम्मी मेरे को बुच्ची से बात करा दो। मैंने क्या बेटा ये बहुत मार रहे, मुझे बहुत मार रहे, मैं ससुराल और बेल्ट होते मारे, सास ने हाथ पकड़ रखे हैं दोनों, ये मार रहा है मुझे, छत से फेंक ही रहे दोनों के दोनों। लड़का लेने भेजिए भैया, जल्दी जाओ लड़की को लिया। हम रेडी, मेरी बहुत रो रही कि जल्दी आ जा भाई, जल्दी आ जा, मुझे बचा ले, जल्दी आ जा तू। तो आप लोग देख रहे हैं, अब तो सबूत भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़कों को झूठा फंसा दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो सबूत भी है। आप लोग देख रहे हैं, लड़की साफ साफ बता रही है कि मुझे बहुत मारते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बेल्ट से मारते हैं। अब आप सोचिए कितने दरिंदे होंगे इनके पति और इनके ससुराल वाले जो बेल्ट से मारते हैं। और अब इनका कहना है फांसी पे लटका दिया गया, मार दिया गया जान से। तो फोन कोई नहीं उठाता था, हम रोज फोन कर रहे हैं, चार पाँच दिन जिस दिन नहीं है। हाँ, चार में राज राम है मेरा, आप बताइए। मैं चार पाँच दिन से फोन कर रहा था, फोन भी नहीं उठा रहे थे वो। मैंने पहले भी लेके आया, फिर वो पीछे से, मैं और मेरा भाई नहीं थे, पीछे से लड़का लेके चला गया, बोला मम्मी हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, आज के बाद नहीं होगा, गलती पहली बार हो गया। फिर उन्होंने पीछे से मारपीट चालू कर दी, फिर फोन कर रहा हूँ उसका पड़ोसी, सामने वाले पड़ोसी फोन कर, उनको फोन करता हूँ, वो भी फोन नहीं उठाते ना। उसका एक देवर रोहित नाम का, वो लड़का पी कर लड़की को उल्टा सीधा गालियाँ देता, वो भी फोन नहीं उठा रहा, वो भी फोन नहीं उठाता था। सब उससे उल्टा सीधा बोलते थे, मारते पीटते थे। तो कौन कौन है उनके घर में? उनके घर में उसका एक जेठ है, एक देवर है, एक वो उनका एक नंद है, एक नंद है, एक वो उसका जीजा है, और चाची है सामने वाली पड़ोसन, और एक वो है सोनू है, उसका मतलब उनका घर वाला। ये सब सास ससुर भी है इनके? ससुर नहीं है, सास है, सास का नाम पूरनदेही है और ससुर का नाम घनश्याम है, जो उसके पापा है नहीं है। तो क्या मांगे आपके ओवरऑल पुलिस से, क्या मांगे आप? हमें इंसाफ चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनकी यही मांग है। बेटी खोया इन्होंने, इन्होंने बहन खोया है, माँ ने अपनी बेटी खोया है और बहन ने अपनी बहन को खोया है, तो सभी दुखी हैं यहाँ पर। और आप पुलिस से मांग की जा रही इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि सबूत भी आ गए हैं, रिकॉर्डिंग भी है, वो साफ साफ बता रही है कि मुझे बहुत मारा जाता था। अब कुछ भी हो सकता है, इसके ससुराल में हो सकता है मारी दिया हो, तो पुलिस जांच करे और उसी के हिसाब से कार्रवाई करे, इनकी यही मांग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग, आप लोग ये वीडियो शेयर करें ताकि पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे और एक मिसाल बने, ताकि आगे से कोई बेटियों के साथ इस तरह का अत्याचार ना कर पाए। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।